Apple, Amazon, they will make the car. These traditional car manufacturers, they only provide the body and the perhaps the engine. Engine be, it's electronic, it will not be the regular engine, it will be engine because driven by electricity. So there will be less of air pollution because of gasoline and others. Imagine how things are changing. And in fact today, bade-bade car manufacturers, they are very scared. कि आने वाले दिनों में मेरी गाड़ी तो होगी नहीं, हम तो खाली डब्बा प्रोवाइड करेंगे उनको, ये थोड़ा थोड़ा वो जो व्हीकल जो पार्ट्स है मूवेबल पार्ट्स को प्रोवाइड करेंगे. कार वुड बी मेड बाय एप्पल एंड गूगल. सो दैट्स वेयर थिंग्स आर रियली गोइंग. आपने लव्स 3D प्रिंटिंग का सुना होगा. वी ऑल नो प्रिंटिंग, 2D प्रिंटिंग जो आप पढ़ते हैं देखते हैं 2D प्रिंटिंग हो गई. 3D प्रिंटिंग क्या होती है कि यू एक्चुअली प्रिंट व्हाट यू आर थिंकिंग. ये हो रहा आज के डेट में. वन ऑफ द न्यू डिवाइस दैट वी हैव नाउ क्रिएटेड विच इज नाउ अंडरगोइंग लार्ज स्केल वैलिडेशन टू डायग्नोस टीबी, वी आर कॉलिंग इट CTB. इससे टीबी के डायग्नोसिस फटाफट हो जाती है और गांव में और छोटे छोटे जगहों में जहाँ बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑपरेटर भी नहीं है, वहां भी है टीबी की डायग्नोसिस. दैट डिवाइस दैट वी क्रिएटेड टू वैलिडेट वैलिडेशन वॉज डन हियर इन आवर हॉस्पिटल इन जामिया हमदर्द बी मच मोर कॉमन. जब फर्स्ट टाइम 3D प्रिंटिंग शुरू हुई थी IIT दिल्ली में जहां मैं पढ़ाता था आने के पहले, द कॉस्ट ऑफ 3D प्रिंटर वाज मिनिमम कॉस्ट वाज $18,000. आज के डेट में 3D प्रिंटर $400 में मिल रहा है. आज के डेट में 3D प्रिंटर एक ही मटेरियल को लेकर नहीं, आप मल्टीपल मटेरियल चाहिए वो प्रिंट कर देगा. 3D प्रिंट करके आपको एक जो इंस्ट्रूमेंट मांग रहे हैं, जो जो भी मांग रहे हैं वो करके दे देगा. एयरप्लेन पार्ट्स, अब किसी भी हैंगर में एयरप्लेन पार्ट गाड़ी का नहीं रखते, हवाई जहाज का नहीं रखते हैं. दे नो विच पार्ट इट इज, फीड टू द कंप्यूटर, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स और मेड एन आवर, द पार्ट इज प्रिंटेड एंड यू आर हैविंग. आपको सुनकर हैरानी होगी, अगर आपने जूता ब्रिटिश शॉप से लिया होगा तो वो 3D प्रिंटेड है. मोची ने नहीं बनाया उसको, वो 3D प्रिंटेड है. स्टैंडर्ड साइज दे दिया है, वो प्रिंट करके जूता बना करके आपको दे दिया. लुक वेयर थिंग्स आर गोइंग, इट्स एक्चुअली हैपनिंग. More than 70% of shoes made by big time shoe sellers in the world are all 3D printed. They are not made by conventional jo hamare yahan printing jo joote bante hain. Aur had to ye ho gaya ki ab China mein ek 6-manzila building 3D printed, usko print karke add karte gaye. Imagine where technology is leading. Solar power bhi kafi tezi se badhega usme bhi. और उम्मीद की जाती है आज के डेट में सोलर एफिशिएंसी तकरीबन 15% है, आने वाले दिनों में तकरीबन 40% हो जाएगी. एंड दैट इज वेयर पीपल आर पुटिंग देयर वाज अ वेस्टेड इंटरेस्ट नॉट टू वरी अबाउट सोलर पावर बिकॉज यू नो बिग बिग कंपनीज पर्टिकुलर इन अमेरिका दे हैव सोलर, दे हैव फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, तो उसमें उनको ज्यादा फायदा है. वाई वरी अबाउट सोलर पावर, बट मच हायर देन 40% हायर देन 15%. Let me now shift gears slightly and tell you some things that in my own area. हम लोग का मानना है कि हम जो भी हैं 50% हमारे DNA है आ रहा है हमारी वालदा से और 50% आ रहा है हमारे वालिद मुहतरम से. And that is what at the time of fertilization the egg and the sperm fuse together and a single cell से बढ़ते 10^17 cells in our body हो जाते हैं. 50% comes from father. This is all in textbook till today. It is not completely correct. हमारे माँ बाप से जो हमें genes मिलती है, that's only 10% of the genes. The remaining 90% of the genes come through the bacteria that live in our body. What are these bacteria? आपको याद होगा कभी कभी आप बीमार पड़ते हो या कुछ पड़ते हो, एटलीस्ट साउथ इंडिया में मैंने स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ माई टाइम, 14 साल मैंने उम्र कैद की है हैदराबाद में. So I'm aware about it. After every meal, it's customary after dessert to have yogurt. Plain, simple, dahi. Why? Nobody knew. It's culture, wahan ka tradition hai. Answer is very simple. Yogurt is nothing but a biological product. It is fermented lactobacillus. A lactobacillus aap kha karke apne body ko rejuvenate kar rahe hain in terms of the bacteria that live in this. To ye DNA, bacterial DNA, क्या करता है?
is it itfaqan hai wahan par iska role bhi hai. And you will be surprised to know that almost every part of human physiology is super regulated by this particular genome. Aapki genes mein mila hai ki you will be white skinned or you will be short or you will be tall, that can be super imposed by regulated by the bacteria that live in our body. Aur natija ye hone wala hai ki aane wale dinon mein, and that aane wale dinon will not be 10 years from now. अब डॉक्टर के पास दवा के लिए जाएंगे, वो आपके बैक्टीरियल फ्लोरा का एग्जामिन कर लेंगे, आपके एग्जामिनेशन तो करेंगे ही करेंगे, आपके बैक्टीरियल फ्लोरा का एग्जामिन करेंगे और फिर बताएंगे आप ऐसा कीजिए, ये एक वायल है, इसमें बैक्टीरियल कल्चर है, ये लीजिए, दैट्स इट, यू डोंट नीड टू वरी. सो ड्रग्स वुड बी रिप्लेस्ड बाय बैक्टीरियल कल्चर, दैट इज वेयर बायोलॉजी एंड मेडिसिन इज मूविंग. To the extent, there was a wonderful article that came in one of the very good journal of science. And that journal says, that article says, this is going to be a literally a pressure. Just like government kar rahi ki hum aapko assure kar rahe hain bijli, pani, environment, you will also have to show that I'll get a good microbial culture. And the disturbing part is, the microbial culture is also a function of whether we are poor or we are rich. The work shows that the people who live in very good conditions, very sterile, very healthy, eat good food, lead a healthy life in terms of the availabilities of goodness, good in the life, they have a better bacterial culture than people who live in slum areas, people who live in polluted cities, people who breathe smoke. Unke bacterial culture ka farak pad jata. So I think a day will come where it will be treated as a microbial inequality. India is still a long way to go, but I'm sure it will happen. अगर आप आज के डेट में बीमार हैं, इंडिया में तो अभी शुरू नहीं हुआ है. आई नो वन ऑफ टू प्लेसेस वेयर दिस हैज स्टार्टेड. ऑल यू हैव टू डू गो टू द डॉक्टर, ही विल आस्क यू टू ब्रीथ इनटू दिस, एंड मे बी इफ यू वांट यू कैन आल्सो गिव अ स्वैब ऑफ योर बकल कैविटी, एक थूक का सैंपल ले लेंगे. एंड देन बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस विल टेक अबाउट जस्ट अबाउट व्हाइल यू आर सिटिंग देयर हाफ एन आवर, इट विल टेल यू you are likely to suffer from these disorders. And then I'll eliminate which is correct, which is not correct by elimination. Aaj ke date pe diagnosis by? Not by elimination. But by? Sorry, today aaj ke date pe diagnosis by elimination. Aap bhi doctor ke paas gaye, usne kaha ye test kara lijiye, ye normal hai. To ye test kara lijiye, ye bhi normal hai. To ye test kara lijiye, ye bhi normal hai. Tab finally aapko pata laga ki nahi, aapko ye sab bimari nahi, ye bimari hai. So today, diagnosis is done by elimination. With this device and in the coming time, diagnosis will be done by affirmation. This machine ne check karke bataya ki aadhe ghante mein aapko kya kya bimariyan hain. Immediately you will confirm and say yes, ye bimari hai. Look how things are moving. Ek badi famous film star, film actress, very top Hollywood actress. Somebody told her that you have the genes for breast cancer. And the probability is pretty high. Remember, it's only a probability. Confirm nahi hai ki aapko breast cancer hoga. So what she did, she got both her breasts removed so that she doesn't get cancer. So you know, you can actually plan what you want to do. One of the very famous story that came about a year ago was a Chinese scientist claimed that he has made a genetically edited baby. Embryo mein hi usne, while the baby is in the embryo only, this person edited the genes, pata tha ki isko fla fla bimariyan ho sakti hain, genetic disorder, usko edit karke baby ko create kiya, and there was a big uproar. Nobody was willing to publish that paper, and the paper was buried till about a couple of weeks ago. MIT published this finding and said we better not publish this in full because this represents the most egregious ethical breach in history. You cannot be doing this, but some people can. जब मैं CDFD हैदराबाद में काम करता था तो वहां मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई कि ये क्लोन है हमारा, ह्यूमन क्लोन मैंने बनाया है, आप प्रूफ करके बता दीजिए कि ये दोनों जिसका मैं कह रहा हूँ वो है या क्लोन नहीं है. I declined to do this for two reasons. I said we are not supposed to be doing genetic DNA fingerprinting of clones, or that too human clones. कितनी सच्चाई है, कितनी ही सच्चाई, आई डोंट नो, बट पीपल कैन ट्राई टू डूइंग इट. हाउ, व्हाई दे आर ट्राइंग टू डूइंग इट, बिकॉज इट इज नाउ पॉसिबल टू मेक एनिमल क्लोन्स.
The first clone of a sheep was made several years ago by Wilmot in England. आज के डेट में आपको अपने कुत्ते से बहुत मोहब्बत है, अपने बिल्ली से बहुत मोहब्बत है, अपने पैरट से बड़ी मोहब्बत है. You don't want it to die. All you need to do is to take a small biological sample. कुत्ते का जो लार टपकता है वो ले लीजिए, इसमें लेके चले जाइए अपने वेटनरियन के पास, एक कंपनी है, एंड दे विल क्लोन योर पेट एंड गिव यू इन वन मंथ टाइम द सेम पेट जो आपके पास पिछले 13 साल से रह रहा है, शायद अगला 1-2 महीना और रहे, इस बार चला जाएगा. पीपल हु हैड पेट, हु हैव पेट्स, दे नो द वैल्यू ऑफ कीपिंग. अभी हैड अ पेट, वी हैड अ जर्मन शेपर्ड, एंड व्हेन इट डाइड इट वाज एज बैड फॉर अस एज लूजिंग आवर ओन फैमिली, वन ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली. यू नो यू गेट वेरी अटैच्ड टू इट, स्पेशली सम पेट्स, सम डॉग ब्रीड्स आर रियली सो अटैच्ड, सो नाइस, वंडरफुल टू कीप. वी कुड क्लोन इट बिकॉज वी नेवर लिव्ड इन कैलिफोर्निया, बट टुडे इफ आई हैड बीन लिविंग इन कैलिफोर्निया, I could have cloned my Rufus and ensured that for the next 13 years I have Rufus with me. After that again, Rufus with me as long as I live. It is happening today. It is not a... That's where the digital world is increasing. It can continue, but I'll just say, many of these things are now creating a problem in the society. Our social beliefs are being threatened. For example, we all know that मदर इज अ मदर, सच्चाई है. कैसे सच्चाई है? समबडी सॉ मी, माई मदर डिलीवरिंग मी इन अ नर्सिंग होम और अ हॉस्पिटल और इन अ होम विद अ मिडवाइफ. फादर इज अ फादर इज अ बिलीफ. मदर इज अ फैक्ट, सच्चाई है. फादर इज अ बिलीफ बिकॉज माई मदर टोल्ड मी ही इज योर फादर. आई हैव नो प्रूफ, ओनली शी टेल्स मी, सो आई बिलीव दिस, शी इज करेक्ट. Now, this very basic fact of society on which it has been living, that mother is a fact, is no longer true. Mother may not be your mother at all. You can have two different mothers, two biologically independent ladies contributing to your birth. Imagine. So who do you call it as a mother? You can have surrogate mother. You can have people who have donated the ovum only, and somebody else, or you can have both ovum and the incubation done as well. You know, these are all going to be a problem. And most of these problems are going to be faced because of the overall increase in longevity that we are seeing in the days to come. Aaj kal jo bachche paida ho rahe hain, ye umeed ki ja rahi hai ki they will live on an average for 110 years. This is the kind of average lifespan we are adding to our lives. So really, पढ़ने के मामले में भी, there is an academy in California known as Khan Academy. And Khan Academy is very famous. You can get world-class education online by going to Khan Academy. That is a reality. Today, they are major providers of a digital learning platform. We are talking very seriously with 2 such platforms, both are leaders in the world, to see if we can adopt those platforms for our learning. And that is where things are really moving. So what are the challenges in that coming year, especially with respect to minority? The biggest challenge would be in the days to come, when data becomes information, information becomes knowledge, knowledge becomes wisdom. The first path, the first step, data to information. There are enormous technical tools are being applied, artificial intelligence, machine learning and deep learning. These are tools that are going to be applied to monetize this data. Our phone use karte hain, kahin dukaan mein shopping karte hain, within a few hours, aapko ad aane lag jata aapke cell par, ke we also sell this, this, this. Kaise unko pata laga? Kyunki somebody has sold your data to them, and they have somebody has bought your data. So that is where things are really moving, and that is what is a big challenge. Hamare Hindustan mein aajkal about food, 2013 mein 14% of globally educated person are Indians.